देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी का शीर्षक है फ्लैट नंबर 17। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। एक शाम तेजस को उसके पिताजी का व्हाट्सएप मैसेज आया, साथ ही एक फोटो भी। तेजस के पिताजी ने उस मैसेज में तेजस से पूछा था, बेटा तुम कहो तो बात आगे बढ़ाएं क्या? लड़की की फोटो देखने के बाद तेजस ने रिप्लाई में लिखा, जैसा आपको ठीक लगे। मतलब कि तेजस को वो लड़की काफी पसंद थी। अगले कुछ हफ्तों के भीतर तेजस का रिश्ता पक्का हो गया था और शादी की तारीख भी निकल आई। और शादी की तारीख निकली 25 दिसंबर 2014। जहां एक ओर तेजस के घर वाले शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर शहर में तेजस अपने दोस्तों को छोड़कर सेपरेट रूम की तलाश कर रहा था। आखिरकार लंबे समय के बाद तेजस को एक अच्छी सोसाइटी में 1 BHK फ्लैट मिल ही गया था और अब शादी में भी ज्यादा वक्त नहीं रह गया था। तेजस शादी से पहले पहले नए फ्लैट में शिफ्ट हो जाना चाहता था और जैसे ही उसे फ्लैट मिला तेजस शिफ्ट हो गया। वो 27 नवंबर की शाम थे जिस रोज नए फ्लैट में तेजस शिफ्ट हुआ था। उस रोज तेजस को शिफ्ट करते करते रात के लगभग 1:30 बज चुका था, जिस वजह से तेजस बेहद थक गया था। अब तेजस सोने ही जा रहा था कि तभी उसकी मंगेतर निधि का फोन आया। तेजस को निधि से बात करते हुए यहीं कोई 10 से 15 मिनट ही हुए होंगे कि तभी उसकी नजर दरवाजे की ओर गई, जहां एक आदमी कंबल ओढ़े हुए उसके घर के अंदर झांक रहा था। तभी तेजस उस आदमी को देखकर एकदम से चौंक गया और उस आदमी से तुरंत ही पूछा, जी कहिए क्या बात है? थोड़ी देर तक तो वो आदमी खामोशी रहा और कमरे के भीतर इधर उधर ही झांकता रहा। तभी तेजस ने उस आदमी से फिर से पूछा, क्या बात है भाई, बोलो तो सही, क्या ढूंढ रहे हो? फिर जाकर उस आदमी ने धीरे से जवाब दिया, क्या आपने मेरी बेटी नन्नी को देखा है? वो अभी अभी इसी कमरे में आई थी। ये सुनने के बाद तेजस ने उस आदमी से कहा, नहीं नहीं यहाँ कोई नहीं आया। ये कहते हुए तेजस ने उस आदमी को वहां से जाने को कहा। उस आदमी के जाते ही तेजस ने फाटक बंद कर लिया। फाटक बंद करने के बाद तेजस ने निधि से कहा कि अब कल बात करते हैं यार, वैसे भी काफी रात हो गई है और काम पर भी जाना है ना कल मुझे। तेजस निधि से बात करने के बाद सो जाता है। तकरीबन 3 बजे तेजस धड़पड़ाता हुआ उठा। दरअसल उसे ऐसा लगा कि कोई बॉल जैसी चीज जोर से आकर लगी हो, मगर जब तेजस ने अपने आसपास देखा तो उसने ऐसा कुछ नहीं पाया। जब सुबह तेजस नहा रहा था तो उसने देखा कि उसके दाएं कंधे पर एक गोल सा लाल निशान है। जब तेजस ने उस निशान को टटोला तो उसे हल्का दर्द महसूस हुआ। वो ये सोच ही रहा था कि उसे ये चोट कब लगी कि तभी फोन की रिंग बजी। जब तेजस ने फोन पर बात की तो पता चला कि बॉस ने उसे अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया है और उसे अभी ही ऑफिस के लिए निकलना पड़ेगा। फिर अगले कुछ मिनटों में तेजस ऑफिस के लिए निकल जाता है। तेजस काम के चलते देर रात घर लौटा। फिर उसी रात जब तेजस अपनी मंगेतर के साथ बातें करने में मसरूफ था कि तभी उसे लगा कि कोई उसके रूम में दाखिल हुआ है। तेजस अपने बेड से उठकर दूसरे कमरे की ओर बढ़ा, ये देखने के लिए कि क्या सच में कोई अंदर आया था या फिर ये महज उसका वहम है। जब तेजस ने उस कमरे में ध्यान से देखा तो पाया कि सब कुछ सामान्य है। तभी तेजस को किचन से बर्तनों की धन मनाने की आवाज आई। जब तेजस किचन में गया तो उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची किचन में खाने के बर्तनों को टटोल रही है। ये देखकर तेजस पहले तो इस सोच में पड़ गया कि ये बच्ची यहाँ कैसे आई। फिर जब तेजस ने उस बच्ची से पूछा, बेटी कौन हो आप और यहाँ कैसे आई, तो उसने पहले तो कुछ देर तक तो कुछ नहीं कहा। फिर वो बोली, मैं तो यहीं रहती हूँ, ये मेरा घर है। इस पर तेजस मुस्कुराते हुए उस बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, अच्छा। अभी इतना कहा ही था कि तेजस का हाथ जो उस बच्ची के सर पे था वो बहुत बुरी तरह से जलने लगा था। वो लड़की भी अचानक से बिल्कुल बदल गई थी। वो अब बुरी तरह से आग में झुलसी हुई थी। साथ ही वो तेजस से बोले, आप यहाँ से चले जाओ,
जब उस बच्ची के बार बार कहने के बाद भी तेजस वहां से नहीं गया तो वो बच्ची उसकी तरफ बढ़ने लगी और उस बच्ची के करीब आते ही तेजस का शरीर भी झुलसने लगा था, मानो उसे आग में झोंक दिया हो। तभी अचानक ही वो आदमी आ गया जिसने अपने कंबल से तेजस को ढक दिया और उसने उस बच्ची को डांटते हुए कहा, नन्नी मैंने मना किया था ना यहाँ पर ना आने के लिए। तभी वो बच्ची बोली, मगर ये तो मेरा घर है। ये बोलते ही वो बच्ची एकदम से वहां से गायब हो गई और उसके गायब होते ही उस आदमी ने तेजस से कहा, भाई साहब आप यहाँ मत रहो। ये बोलते ही वो आदमी भी एकदम से गायब हो गया। इस हादसे के बाद तेजस गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसे पता चला कि इस फ्लैट के मालिक का पूरा परिवार एक हादसे में जलकर मर गया था, जिसकी आत्मा आज भी इसी फ्लैट में रहती है और जो भी यहाँ रहने आता है उसके साथ ऐसे ही हादसे होते हैं। ये सब जानने के बाद तेजस ने फ्लैट नंबर 17 हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।